अखिल भारतीय जल कल्याणकारी परिषद ने हिंदी भाषी समाज सेविका सुषमा सिंह को नवी मुंबई का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके साथ ही समाज सेविका श्रावणी पारकर को प्रदेश कार्यकारिणी का महामंत्री बनाया गया है। आज दोनों पदाधिकारियों ने नियुक्त प्रमाण पत्र हासिल करते हुए जनसेवा उपक्रमों के जरिए नागरिकों की मदद का संकल्प दोहराया। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार जनसेवी उपक्रम चलाने वाली हिंदी भाषी समाज सेविका सुषमा सिंह को अखिल भारतीय जल कल्याणकारी परिषद ने नवी मुंबई जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं श्रावणी पारकर को प्रदेश कार्यकारिणी का महामंत्री बनाया गया है। आज परिषद पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर दोनों नवनियुक्त महिला पदाधिकारियों का सत्कार किया। इस अवसर पर परिषद के वरिष्ठ नेता वसंत सुतार, उत्तर भारतीय मोर्चा के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष राजेश राय, साहित्य कर्मी अरविंद राही एवं यूपी सेल के जिला अध्यक्ष मार्कंडे केवट खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हम लोगों ने महाराष्ट्र में जो शासकीय योजना है, केंद्र शासन की जो भी योजना है, हर लोगों तक पहुंचने के लिए एक जिम्मेदारी हम लोग डाल दिए। तो श्रावणी पारकर, इनको हम लोग महाराष्ट्र की महिला महामंत्री बनाए हैं। और नवी मुंबई में जो पहले से अपना काम कर रहे महिलाओं तक बहुत अच्छी तरह से काम करने, यानी पहला काम किया उसके बाद उसको पद मिला, तो अपने कर्तव्य से होने ये प्राप्त किया पद। ये है ये सुषमा जी, इनको हम लोग नवी मुंबई के महिला जिला अध्यक्ष पे अपॉइंट किया। दोनों के लिए हम लोग बधाई देते हैं। हमारी अखिल भारतीय जन कल्याणकर परिषद की वजह से हम लोगों को जितना भी उनको सपोर्ट करना है, हम लोग 100% को सपोर्ट करेंगे। और मोदी जी का जो सपना है, अंत्योदय तक जितनी भी योजना है वो जाना चाहिए, हम उसके लिए कटिबद्ध है। आदरणीय सुतार जी ने दो लोगों की नियुक्ति की है अखिल भारतीय जन कल्याणकारी परिषद में। ये पूरी जो है हमारी सरकार की योजना है। मैं दोनों महिलाओं को, श्रावणी मिलिंद पारकर जी को जो महिला महामंत्री के पद पर नियुक्त हुई हैं, और श्रीमती सुषमा सिंह जी को जो नई मुंबई महिला जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई हैं, दोनों जन का हार्दिक बधाई देता हूँ। और इससे हम लोगों को और बल मिलेगा कि नई मुंबई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं उनको हम जन जन तक किस तरह पहुँचाएं, इस पर हमारे और बल मिलेगा और इस पर हम कार्य आगे और तेजी से कर सकते हैं। वहीं अपनी नियुक्ति पर सुषमा सिंह ने परिषद के पदाधिकारियों का आभार जताया एवं नई ऊर्जा के साथ महिलाओं के लिए काम करने का संकल्प दोहराया। पहले तो मैं योगी जी की जीत के लिए बधाई दे रही हूँ सबको। उसके बाद कार्यकाल ऐसा हुआ कि सबसे पहला कैंप नई मुंबई हम ही लोगों ने लगाया था, जिनमें हमारे अध्यक्ष जी और सुतार जी ने, मतलब उन्होंने इसमें भागीदारी की थी। योजनाओं को लेकर कि मतलब आज से यही होगा कि जितनी ज़्यादा लोगों तक हमारी योजनाएँ हैं वो पहुँचाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूँगी इस पर। वो मैंने काम चालू भी कर दिया है और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया इसमें उन लोगों का बहुत बहुत आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।